हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जज चित्रांश और मैं इस बार आप लोगों के लिए जो सीएससी ने कॉमर्स के लिए स्पेशली मैंने बनाया है ये वीडियो आपके लिए, जो मार्किंग पैटर्न चेंज किया है, जो टर्म एग्जामिनेशन है कि टर्म वन में कितने चैप्टर्स आएंगे, टर्म टू में कितने चैप्टर्स आएंगे, इन सभी का मैंने पूरा एनालिसिस करके शार्ट बना दिया, जिससे आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस चैप्टर से कितने नंबर आने वाले हैं बुक्स में। जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने सबसे पहले अकाउंटेंसी के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अकाउंटेंसी में मैंने पार्ट ए में जो हम लोग का फर्स्ट सेक्शन आता है, पार्ट ए में ही जो हम लोग का जो सेकंड बुक है एंड पार्ट बी, ये मैंने डीके गोयल के अकॉर्डिंग बनाया है, लगभग हर बुक में ऐसे ही है। तो जैसा कि यहाँ पर पार्ट ए में सभी को दिख रहा है कि मैंने जो चैप्टर्स के नाम थे पहले मैंने नोट कर दिया है, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि हम लोग के जो चैप्टर्स है वो कितने हैं और क्या क्या चैप्टर्स में क्या क्या नंबर्स पहले आते थे। तो जैसे कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो फर्स्ट चैप्टर था, फिर पार्टनरशिप का फंडामेंटल चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड इसके बाद से रिटायरमेंट एंड डेथ, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है इस केस कम की वजह से, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हम लोग का कंडीशन था। जो सेकंड हम लोग का बुक है, इसमें हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स के कंडीशन देखे थे, डिवेंचर्स हम लोग के इशू और रिडक्शन दोनों हैं। फिर एफएसए जो हम लोग की एफएसए बुक ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी मटेरियल है उससे रिलेटेड है। फिर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट न्यूमेरिकल चैप्टर, फॉर्मेट बेस्ड टोटल है, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम लोग का पूरा चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है ऑलरेडी, अगर आप में से किसी बच्चे को ज्वाइन करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि टर्म वन यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, टर्म वन एग्जामिनेशन में बोर्ड ने जो मेंशन किया है, तो मैंने यहाँ पर सेक्शन वाइज यही बनाया हुआ है कि ये पार्ट ए सेक्शन इतना फर्स्ट पार्ट और पार्ट ए में जो सेकंड बुक है एंड ये पार्ट बी। तो पार्ट ए में यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, पार्टनरशिप का फंडामेंटल चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर का यहाँ पर हम लोग का कॉन्सेप्ट है। तीनों चैप्टर से मिलाकर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे 18 मार्क्स के हमारे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। मैं आप सभी को धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा और ये सारी चीजें बताऊंगी। पर्टिकुलर इस चैप्टर से जो बोर्ड क्वेश्चन बनाने वाला है एमसीक्यू पोर्शन में, किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सभी डिटेल्स आपको हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर इशू ऑफ शेयर का टॉपिक है, इसमें जो है 12 मार्क्स का पहले भी पूछा जाता था, 12 मार्क्स का इस बार भी पूछा जाएगा। बस डिफरेंस इतना है कि अभी तक सब्जेक्टिव होते थे, मीन्स हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता था, अब ये एमसीक्यू बेस्ड आ जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट बी सेक्शन में हम लोगों का सिर्फ एफएसए जो थ्योरी मटेरियल वाले और फॉर्मेट बेस्ड में थोड़े से क्वेश्चन और रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है उससे हम लोग का रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर टू पर जो हम लोग का 2 घंटे का पेपर होना है, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। फिर यहाँ पर पार्ट ए सेक्शन में जो हम लोग का टर्म टू एग्जामिनेशन होगा, उसमें एनपीओ चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। फिर है रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन लास्ट, जिससे दोनों मिलाकर हम लोग के 12 मार्क्स के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जो हम लोग की पार्ट ए में ही जो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, जो सेकंड पार्ट हम लोग का है, इसमें हम लोग देखते हैं डिवेंचर्स का, तो डिवेंचर में इशू एंड रिडक्शन दोनों ही चीज़ें हैं, जिससे कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ सिलेबस रिडक्शन है, जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा, इस बार भी हम लोग की ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे मैं सभी को अपडेट करता रहूँगा। और जो हम लोग का एफएसए सेक्शन है, इसमें कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग की ऑलरेडी आएंगी, जिससे कि कंबाइंड 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें 6 मार्क्स का हम लोग का कैश फ्लो रहेगा एंड 4 मार्क्स का हमारा रिमेनिंग कंपैरेटिव एंड कॉमन में ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमेशा। फिर हम बात करते हैं अनदर सब्जेक्ट की, जो इकोनॉमिक्स का है, इसमें भी टर्म वन एंड टर्म टू में डिवाइडेड है। तो जो दो सब्जेक्ट्स हम लोग के हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक आईडी जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें हम लोग के चैप्टर्स के नाम लिस्टिंग सभी के पास बुक में ऑलरेडी है। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा ये हो रहा था कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अगर ये पता चल जाए तो ज्यादा ईजी हो जाएगा हम लोगों को समझने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के चैप्टर है जैसे कि नेशनल इनकम का, वो इसने टर्म टू में रख दिए गए हैं एंड जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो जैसे मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल 36 मार्क्स का, सॉरी 18 मार्क्स के हमारे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस में। और फिर यहाँ पे आईडी में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद से इंडियन इकोनॉमिक 19
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का भी टॉपिक आ जाएगा। फिर उसके बाद से इसी में हम लोगों का पॉवर्टी, फिर जो एचसीएफ जो हम लोग का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का टॉपिक है एंड रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक है, इससे हम लोगों के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर टर्म में आएंगे तो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेशनल इनकम है, फिर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक है, फिर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, फिर प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इसमें मैंने यहाँ पर मार्क करके ऑलरेडी बताया होगा आपको कि नेशनल इनकम से हम लोगों के 10 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जो रिमेनिंग हम लोगों के हैं यहाँ पर मैंने 12 मार्क्स मेंशन किया हुआ है, ये रिमेनिंग क्वेश्चन है। धीरे धीरे सभी को अपडेट किया जाएगा कि पर्टिकुलर इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इनके रेफरल वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर आईडी का जो टॉपिक है इसमें मैंने बताया है एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टॉपिक है इसमें बुक में सभी ने दिया हुआ है, तो ये हम लोग के 3 चैप्टर जो कवर होंगे, इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जो अनदर एक लास्ट चैप्टर बचता है डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में जो है इंडिया नेबर जो लास्ट चैप्टर है उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सभी को बताया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस हमारी अवेलेबल है, आप हमें डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज। नेक्स्ट है बिजनेस स्टडीज का, इसमें भी मैंने 2 सेक्शन, तो सभी ने जब बिजनेस स्टडीज की बुक देखी होगी क्योंकि स्पेशली सीबीएसई के लिए है, तो इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी के 2 सेक्शन बनाए गए हैं। जब ये पार्ट ए एंड पार्ट बी के 2 सेक्शन में हम देखते हैं तो इन्हीं को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि टर्म 1 में किस पार्ट ए से कितने चैप्टर्स हैं एंड टर्म 2 में पार्ट ए से, फिर रिमेनिंग हमारा पार्ट बी में। तो जैसा कि दिख रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, शॉर्ट में लिखा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरमेंट, इन 3 चैप्टर्स को कंबाइन करके बोर्ड ने 16 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर रखे हैं एमसीक्यू बेस के लिए। अब हाँ, ये क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर के होंगे, ये अपडेट किया जाएगा। फिर है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग से 14 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका प्लानिंग है, जिसमें प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हमेशा अक्सर हमसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पार्ट बी में जब आते हैं इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट से हम लोगों के क्वेश्चन में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है टर्म 2 पोर्शन जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें हम लोग जब आएंगे तो इसमें सेक्शन बी और सेक्शन डी फिर से हम लोगों का है। जो पार्ट ए देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, इन तीनों चैप्टर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, जिसमें केस बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। एंड पार्ट बी में जब आते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स को कंबाइंड करके 15 मार्क्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो ये हम लोग का ओवरऑल एक चार्ट है, मैं थोड़ा सा साइड में जा रहा हूँ जिससे कि सभी स्टूडेंट इसको इजीली स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आप इसे आराम से अपनी कॉपी में पूरा अच्छे से चार्ट बना लीजिएगा जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहे, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन होके रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमने जो भी वीडियोज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे अगर किसी भी एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, मार्किंग पैटर्न को लेकर, ये सारी चीज़ें अपडेट किया जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू।